City Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, सिटी लाइव के कार्यक्रम शब्द संसार दिल से में मैं अंशु हर्ष आप सभी दर्शकों का और हमारे गेस्ट पोएट्स डॉक्टर संतोष कुमार चारण और प्रोफेसर कपिल शर्मा का स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी रचनाशील लोगों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है, जिससे वे अपनी रचना धर्मिता और अपने अनुभव सभी के साथ साझा कर सकें। तो आओ मिलकर शब्द बुनते हैं, एक सुकून भरा ताना बाना बुनते हैं, क्योंकि खामोशी में है शब्दों का समंदर और यहाँ हम शब्द संसार में हैं। और सभी कवि मन जब शब्दों का ताना बाना बुनते हैं तो अपने मन के जाल में कुछ शब्द पकड़ कर ले आते हैं और उसी से एक नई कविता का सृजन हो जाता है। इट्स अ बुके ऑफ लिटरेरी लाइव सेशन विद रेनाउंड पोएट्स, ऑथर्स, राइटर एंड स्टोरी टेलर्स इन फुल स्विंग। सो आप सभी का स्वागत है। मैं अंशु हर्ष संतोष कुमार चारण का सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी और उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अपनी रचनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच अंशु हर्ष मैडम, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमको इंट्रोड्यूस किया, मेरा परिचय भी आपने दिया, पर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि परिचय और जो है डिटेल में हो जाए और उसको मैं कविता के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, समस्त दर्शक वर्गों को रखना चाहता हूँ। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में जूलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैंने एक कविता लिखी थी जो अपने आप में बिल्कुल अलग है और इस तरह की कविता बहुत कम लिखी गई या इस तरह की कविता लिखी ही नहीं गई, क्योंकि ये वही लिख सकता है जो इस अनुभव से होकर गुजरा है। तो मैं सीधी कविता से आपको जोड़ता हूँ और मेरा एक परिचय देता हूँ। बिल्कुल स्वागत। मैं कविता का विषय है जंतु या मनुष्य। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ छात्रों को प्राणी शास्त्र जूलॉजी और समझाता हूँ उन्हें जंतु और मनुष्य के बीच का अंतर और बताता हूँ उन्हें कि कैसे कुछ जंतु उतर गए थे वृक्षों से जो आगे चलकर मनुष्य कहलाए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मनुष्य क्या हुआ? गिरा हुआ जंतु? तो फिर जंतु क्या हुए? उठे हुए? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किसे विकसित कहें, जंतु या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं, हां पर यह पता है कि जंतु नग्न होते हैं और मनुष्य ढका हुआ, परंतु जंतुओं को अपनी नग्नता की व्यर्थता का बोध ही नहीं है और मनुष्य ढका हुआ है पर प्रतिपल अपनी नग्नता के लिए स्वयं से शर्मिंदा है। तो मेरा सवाल यह है कि कौन सच्चे अर्थों में नग्न हुआ, जंतु या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं, हां पर यह पता है कि जंतु बिना विवाह के साथ रहते हैं और मनुष्य विवाह करके साथ रहता है, परंतु जंतु कोई कुमकुम पत्री नहीं छपवाते, गवाह इकट्ठे नहीं किए जाते हैं साथ रहने के लिए और जंतु प्रेम को प्रदर्शित नहीं करते, प्रेम को जीते हैं। जंतु को कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए और एक चिड़ा और एक चिड़ी बिना किसी तामझाम के अपने अंडे के लिए जी भी जाते हैं और मर भी जाते हैं और मनुष्य विवाह करके तलाक भी ले लेता है। तो मेरा सवाल यह है कि किसके साथ को साथ कहें, जंतु या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं, हां पर यह पता है कि मनुष्य दो घर बनाता है और जंतु एक, एक जिसमें मनुष्य स्वयं रहता है, दूसरा जिसे वो परमात्मा का घर कहता है। इसके कई नाम है जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि, लेकिन जंतुओं का घर उनके प्रेम का परिणाम है। जंतु टिकट लेके सिनेमा देखने नहीं जाते, प्रेम ढूंढा नहीं जा रहा है घर के बाहर, और ये मनुष्य के घर, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये सब मनुष्य के प्रेम से नहीं उनके भय से निर्मित है। तो मेरा सवाल ये है कि किसके घर को घर कहें, जंतु या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं, हां पर यह पता है कि जंतु विवश होते हैं जीने के लिए, क्योंकि जंतु जानते ही नहीं है आत्महत्या का मार्ग और मनुष्य जानता है कि कुछ घाव कभी नहीं भरते, रिश्ते रहते हैं नासूर की तरह, फिर भी आप और हम सब जिए जा रहे हैं, मरते कहां हैं? तो मेरा सवाल यह है कि कौन सच्चे अर्थों में विवश हुआ जीने के लिए, जंतु या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं, हां पर यह पता है कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे हिम्मत जुटाकर खड़े होकर मुझसे ये पूछ लेते हैं कि भाई ये जो डॉक्टर संतोष कुमार चारण पढ़ा रहा है ये क्या है, घिरा हुआ जंतु या उठा हुआ मनुष्य? मैं कहता हूं सच कहूं मुझे कुछ पता नहीं और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं, पढ़ाता हूं बच्चों को प्राणी शास्त्र और समझाता हूं उन्हें जंतु और मनुष्य के बीच का अंतर।
ये कविता से मैंने अपना तारुफ कराया, अपना इंट्रोडक्शन करवाया, और अब मैं चाहता हूं कि एक और कविता से आपको जोड़ूं। एक माहौल बन चुका है हमारे बीच में कविताओं का, और एक सीरियसनेस जो कविता के लिए जरूरी थी वो बन चुकी है। तो मैं अब आपके साथ जोड़ना चाहता हूं, अभी जो प्रासंगिक जो प्रश्न हमारे समक्ष है, आप आपके और मेरे समक्ष जो है वो है कोरोना वायरस। तो मैं एक पैरोडी गीत के माध्यम से तमाम दर्शकों को जो है उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, और उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस युद्ध के अंदर जो है अंतोगत्वा जीत जो है वो मानव जाति की ही होगी और हमारी ही जीत होगी। तो मैं आपको सीधा उस पैरोडी गीत से जोड़ता हूं, सुनिए। स्वागत है आपका। मैं थोड़े दिन का कोरोना हूं, थोड़े दिन मेरी कहानी है, थोड़े दिन मेरी हस्ती है, थोड़े दिन मेरी जवानी है। मैं थोड़े दिन का कोरोना हूँ, मुझसे पहले कितने वायरस आए और आकर चले गए, मुझसे पहले कितने वायरस आए और आकर चले गए। कुछ स्वाइन फ्लू देख, कुछ बर्ड फ्लू देकर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं थोड़े दिन का कोरोना हूँ, थोड़े दिन मेरी कहानी है, थोड़े दिन मेरी हस्ती है, थोड़े दिन मेरी जवानी है। मैं थोड़े दिन का कोरोना हूँ, और बन सुनिए। कल और आएंगे वायरस के नए रोग तुम्हें देने वाले, कल और आएंगे वायरस के नए रोग तुम्हें देने वाले, मुझसे बेहतर देने वाले, तुमसे बेहतर सहने वाले। तुम अपने घर में कैद रहो, मैं अपनी मौत को पाता हूँ, तुम हंसते हंसते आते हो, मैं रोते रोते जाता हूँ। मैं थोड़े दिन का कोरोना हूँ, थोड़े दिन मेरी कहानी है, थोड़े दिन मेरी हस्ती है, थोड़े दिन मेरी जवानी है। मैं थोड़े दिन का कोरोना हूँ। और इस पैरोडी के बाद में मैं आपको एक कविता से और जोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद में अगर समय नहीं है तो फिर आप जो है अगले कवि को बुला सकते हैं। मैं एक कविता से आपको जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि देखिए सच्ची बात यह भी है कि इस अनंत अंतरिक्ष के अंदर, इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर मनुष्य की जो औकात है वो एक बुलबुले के समान है, और कब हमें कौन सी वबा जो है हमारी मानवता को जो है छीन ले हमें पता नहीं। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि एक कविता के माध्यम से हम इस मर्म को समझें, और मैं आपको जोड़ता हूं। हाय अभागे मानव तुझको आखिर कितना झुकना होगा, हाय अभागे मानव तुझको आखिर कितना झुकना होगा, तू हो चाहे वायु सा प्रखर मगर तेरी सांसों को रुकना होगा। कल फिर अंधेरा छाएगा, तमका सागर लहराएगा, कल फिर हम में से कोई अपनी मृत्यु को पाएगा, कल फिर बादल के गर्जन में बिजली की चीतकारें होंगी, कल फिर सागर के मंथन से विषबाणों की बौछारें होंगी, कल फिर तुझे यम के समक्ष सजदे में झुकना होगा। हाय अभागे मानो तुझको आखिर तो झुकना होगा। हर उषा को निशा खा गई, हर सूरज को बदली काली, नहीं कूकती अब कोयल कोई बुलबुल डाली डाली, कल फिर तेरी यशगान कीर्ति का ये सूर्य अस्त हो जाएगा, कल फिर तेरी इसी हार पर वो क्रूर कठिन मुस्काएगा। तू हो चाहे सूर्य सा प्रखर, तू हो चाहे सूर्य सा प्रखर, पर तुझे दिए सा बुझना होगा। हाय अभागे मानो तुझको आखिर कितना झुकना होगा। और वो चाहे तो चाहे वरना पत्ता तक भी हिले नहीं, वो चाहे तो चाहे वरना कोई फूल तक भी खिले नहीं, और वो चाहे तो चाहे वो ना चाहे तो तुम क्या कर लोगे, वो चाहे तो चाहे वरना क्या अपनी किस्मत से लड़ लोगे, वो चाहे तो तू चले, वो चाहे तो तुझे रुकना होगा।
हाय अभागे मानव तुझको आखिर कितना झुकना होगा। और संतोष मेरा नाम है कि संतोष कैसे संतोष करें जब खुद जीवन छिन जाएगा, जिसको स्वेद रक्त से सींचा है वो सब संचित लुट जाएगा, और मेरे जीवन की अमूल्य निधि फिर किन हाथों में जाएगी, क्या जिसका ये जीवन है फिर उसको ही मिल जाएगी। ये प्रश्न संतोष तेरा है, उत्तर तुझे लिखना होगा। हाय अभागे मानव तुझको आखिर कितना झुकना होगा। बहुत ही उम्दा डॉक्टर संतोष, आपकी जो तीन कविताएं हमने सुनी, दर्शकों ने सुनी, तीनों अलग अलग आपके व्यक्तित्व को अलग अलग रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत ही उम्दा। और अब हमारे साथ हैं प्रोफेसर कपिल शर्मा, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही ड्रामेटिक विभाग में पढ़ाते हैं। तो कपिल शर्मा, अब हम चाहें आप कुछ कविताओं के माध्यम से हमसे रूबरू हुए। नमस्कार सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार, और सबके कविता पाठ, मेरा कविता पाठ बहुत ही एक सूरज के आगे दिया जैसा संतोष मिश्रा की हैं और कविता में माहिर हैं। मैं सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कभी कभार कुछ रचनाएं कर लिया करता हूँ। स्वागत तो सर, स्वागत। एक ऐसे ही कुछ प्रश्न थे मन में, कविता के रूप में मैंने डाला। तो मेरी पहली कविता है, मन में प्रश्न है जो पूछे नहीं गए हैं, मन में प्रश्न है जो पूछे नहीं गए हैं, दमित हैं गहरे में कहीं, दमित हैं गहरे में कहीं, जैसे दबा होता है धन अमीरों की तिजोरियों, और गरीब के बचते बच्चे बेचते हैं गुब्बारे सड़कों पर, और गरीब के बच्चे बेचते हैं गुब्बारे सड़कों पर, कि जुटा पाएं वो 2 जून की रोटी। और कवि को फिक्र है चांद की जो रूठा है प्रेमिका सा, और कवि को फिक्र है चांद की जो रूठा है प्रेमिका, फिर भी क्यों नहीं उठती सिलवटे शिकन पर, सिकुड़ती बोहें उठते तूफान हृदय में क्यों, शायद शायद इसलिए कि बचपन से उसे सिखाया गया है चुप रहना, देख कर अन्याय सहना और बढ़ जाना आगे, अनदेखा अनसुना कर प्रश्नों को, दमित करना इच्छाओं को स्त्री की तरह, प्रश्नों को दमित करना इच्छाओं को स्त्री की तरह, किंतु सत्य उत्खनन से ही मिलता है जैसे हीरा, किंतु सत्य उत्खनन से ही मिलता है जैसे हीरा, कहीं गहरे में दबा है वो, कहीं गहरे में दबा है वो, खोजना है तुम्हें सवारना है उसे, पर झांकना होगा भीतर अपने मन में, क्योंकि मन में प्रश्न है। चलिए अब दूसरी कविता का रुख करते हैं, आओ गुफ्तगू करें, आओ गुफ्तगू करें भूल कर सारे मसले शिकवे तंज और चिंताएं, बतियाएं फूलों सड़कों गिलहरी और पक्षियों से, बतियाएं फूलों सड़कों गिलहरी और पक्षियों से, दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं सुना है, पर क्या तुमने कभी दीवार के कान में कुछ कहा है, शायद उसके मुंह भी हो, कहना चाहती हो वो भी कुछ, सुनाना चाहती हो कोई कहानी नज्म या चुटकुला, जो गुदगुदा दे तुम्हें, अरसा हो गया है तुम्हें मुझे साथ बैठे, कहे अपने दिल की बात, अरसा हो गया है तुम्हें मुझे साथ बैठे, कहे अपने दिल की बात, जो हो सारहीन बेतुकी,
पडूबी प्यार की चाशनी में, जो हो सारहीन बेतुकी पडूबी प्यार की चाशनी में, बरसाती है जो मुझ पर स्नेह, छू जाती है मेरा कोमल मन, छू जाती है मेरा कोमल मन। शब्द जो ना हो अलंकृत, पर हूँ भरे गहरी अनुभूति से, शब्द जो ना हो अलंकृत पर हो भरे गहरी अनुभूति से, जिनसे हो स्पंदन हृदय में, जिनसे हो स्पंदन हृदय में, जो धड़कता तो है पर बतिया नहीं पाता है, जो धड़कता तो है पर बतिया नहीं पाता है, तो आओ एक बार फिर गुफ्तगू करें। बहुत ही खूबसूरत कविताओं के साथ आपने शुरुआत करी। अगर हमें वक्त इजाजत देगा तो हम एक एक रचना और बिल्कुल आप दोनों से फिर से सुनेंगे। और मैं अपना परिचय दूं, मैं अंशु हर्ष, एडिटर पब्लिशर हूं मैगजीन और न्यूज़पेपर सिंपली जयपुर और वॉइस ऑफ जयपुर की, और छोटा सा कवि मन हूँ, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती हूँ, जो सृष्टि में नजर आता है तो कुछ सृजन करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी एक कविता है, अभी पिछले दिनों ही मैंने लिखी है, मैं आपसे उसे रूबरू करवाती हूँ। हम थैंक यू सो मच। हम नदी के दो किनारे हैं, कभी मिल नहीं पाएंगे, बहाते रहेंगे एक बहाव को हम अपने साथ, लेकिन कहीं भी जाकर जुड़ नहीं पाएंगे। एक नदी के दो किनारे हैं हम, कभी मिल नहीं पाएंगे। बूंदे बरसेगी आसमान से जब हम पर, बूंदे बरसेगी आसमान से जब हम पर, साथ साथ नदियां के हम भी गाएंगे। एक नदी के दो किनारे हैं हम, कैसे मिल पाएंगे। समेट कर एक बहाव को अपने अंदर, समेट कर एक बहाव को अपने अंदर, सागर में जाने तक तेरा साथ निभाएंगे। पर एक नदी के दो किनारे हैं हम, कभी मिल नहीं पाएंगे। पानी का बहाव जब मुझे छूकर तुम्हारे पास आएगा, पानी का बहाव जब मुझे छूकर तुम्हारे पास आएगा, बस उस छुअन के एहसास से तुम्हें महसूस कर जाएंगे। एक नदी के दो किनारे हैं हम, कभी मिल नहीं पाएंगे। हवा बहेगी जब शीतल मंद और सुगंधित, हवा बहेगी जब शीतल मंद सुगंधित, उसके साथ हम भी मुस्कुराएंगे। नदी के दो किनारे हैं हम, मिल नहीं पाएंगे। नदी के दो किनारे हैं हम, मिल नहीं पाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। और मेरी अगली जो रचना है वो कुछ रंगों और शब्दों का तालमेल है, क्योंकि रंग और शब्द एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमने अपने शब्द संसार दिल से कार्यक्रम में भी अभी पिछले सेशन में जो देखा था, पेंटर्स के साथ कविताओं का जो एक ताना बाना बुना गया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी ये कविता पढ़ना चाहूंगी कि क्या हो अगर शब्दों को रंग में डुबो दिया जाए, क्या हो अगर शब्दों को रंग में डुबो दिया जाए, तो लाल रंग से प्रेम लिखूं या क्रोध का अंबार लिखूं, लाल रंग से प्रेम लिखूं या क्रोध का अंबार लिखूं, पीले रंग से उत्साह लिखूं या जीवन का बैराग लिखूं, पीले रंग से उत्साह लिखूं या जीवन का बैराग लिखूं, केसरिया रंग से शाम लिखूं या सुबह का श्रृंगार लिखूं, नीले रंग में डूबकर सागर की गहराई लिखूं या आसमान का विस्तार लिखूं, हरे रंग से हरियाली लिखूं या जीवन का सार लिखूं, भूरे रंग के वृक्ष से तुम्हारा साथ लिखूं या उसका एहसास लिखूं, सफेद रंग से शोक लिखूं या एक रूहानी एहसास लिखूं, सफेद रंग से शोक लिखूं या एक रूहानी एहसास लिखूं, ओस की बूंदों के रंग से दिल का हर एहसास लिखूं, और ओस की बूंदों के रंग से दिल का हर एहसास लिखूं। ये मेरी दो रचनाएं थी। और एक कविता है, क्योंकि ईश्वर परम शक्ति जो है उनसे हमेशा मानती हूँ, और बहुत ज्यादा आपने भी जैसे पहले जिक्र किया था अपनी कविता में, तो पत्थर की मूरत से तुम, जब भी हम ईश्वर की मूरत से साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं
उसको डेडिकेट करते हुए ये मेरी कविता है कि सुन रहे हो ना तुम, तुमसे ही कह रही हूँ। सुन रहे हो ना तुम, तुमसे ही कह रही हूँ। पत्थर की मूरत हो, सुनते नहीं हो, पता है मुझे, लेकिन मैं भी अपनी आदत से मजबूर हर दिन का अनुभव तुमसे कह जाना चाहती हूँ, कह भी देती हूँ, और तुम भी सुनने का दस्तूर निभा लेते हो। जानते हो, आज कोई मिला था जो कह रहा था वो भी तलाश में है तुम्हारी। जानते हो, आज कोई कह रहा था वो भी तलाश में है तुम्हारी। और मैंने एक दबी सी मुस्कुराहट के साथ नजर झुकाकर तुम्हें देख लिया अपने मन मंदिर में। अलग कहाँ हो मुझ में, अलग कहाँ हो तुम मुझसे, आत्मसात हो मुझ में, हो ना पत्थर की मूरत से तुम, आत्मसात हो मुझ में तुम, हो ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। संतोष जी, मैं फिर से पलट के अब आपके पास आना चाहूंगी, एक एक रचना हम आपकी और सुनना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु मैडम, बहुत आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, सारे रंग थे आपकी कविताओं में, और कपिल थैंक जी को तो सुन के बड़ी सुखद अनुभूति हुई, बहुत गहरी कविताएं थी सर आपकी। मैं आगे बढ़ाता हूँ क्रम को, कुछ मुक्तक आपके साथ जोड़ता हूँ मैं, कि बिल्कुल स्वागत। दिखलाएंगे जब कभी हम अपना सीना चीर के, दिखलाएंगे जब कभी हम अपना सीना चीर के, उन शब्दों के घाव मिलेंगे जो चुभ गए थे तीर से, और उसी वेदना से उपजे जो गीत तुम्हें मिल जाएंगे। हम कुबेर वाह के दास नहीं, हम वंशज हैं कबीर के। और वाह सुने जी, के, मैं सावरकर द्वारा लिखी गई हूँ जेल की दीवारों पर, मैं सावरकर द्वारा लिखी गई हूँ जेल की दीवारों पर, मिर्जा गालिब ने मुझे बिठाया दिल्ली के दरबारों पर, और तुलसी की चौपाई हूं मैं दिनकर का हूं दिव्य प्रकाश, मैं कविता सीधी दस्तक हूं मन मंदिर के द्वारों पर। और सुने के, दिए कितने भी हो दिव्य, दिए कितने भी हो दिव्य, एक दिन बुझ जाए, और पुष्प कितने भी प्यारे हो अगले दिन मुरझाए, पर अक्षर का न शर हुआ ये कभी न मरने पाए, और कविता लिख के जो अमरता छूले वो कविवर कहलाए। और सुनिए वाह के, ऐसे ही नहीं कोई कविता कागज पे उतर वाह, पाती है, ऐसे ही नहीं कोई कविता कागज पे उतर पाती है, इस हुनर को पाने में एक उम्र गुजर जाती है, और नशे में होकर भी होश में लिखना पड़ता है, क्योंकि ये वो शराब है जो पूरे वजूद में उतर जाती है। और वाह, सुने के, नशा तो कविताओं का है, नशा तो कविताओं का है, लोग बेकार मैखाने जाकर अपना जिगर फूक आते हैं, और मैं बिना खर्चे के मदहोशी में रहता हूं, और लोग खर्चा करके भी होश में आ जाते हैं। और सुने के जिस हुस्न पर तुमको नाज है वो मेरे ही इश्क का अंदाज है, जिस हुस्न पर तुमको नाज है वो मेरे ही इश्क का अंदाज है, जो गा रहे हो ना वो गीत मेरा है, तुम्हारी तो सिर्फ आवाज है। और सुने के हम चाहें तो काले दर्पण पे भी दाग लगा सकते हैं, और हम चाहें तो सहरा में भी बाग लगा सकते हैं, हम चाहें तो काले दर्पण पे भी दाग लगा सकते हैं, हम चाहें तो सहरा में भी बाग लगा सकते हैं, और हम शायर हैं, हमें मशालों की जरूरत नहीं, हम अपने लफ्जों से ही आग लगा सकते हैं। और एक मैं गजल से आपको जोड़ता हूं, कि खुदा की तरह ना मुझसे मिलाकर, कभी मुझको सामने भी तो दिखाकर, खुदा की तरह ना मुझसे मिलाकर, कभी मुझको सामने भी तो दिखाकर, कहाँ का इश्क और कैसी वफा है, तू हंसता भी है तो मुझको रुलाकर। खुदा की तरह ना मुझसे मिलाकर, कभी मुझको सामने भी तो दिखाकर, कहाँ का इश्क और कैसी वफा है, तू हंसता भी है तो मुझको रुलाकर, और यहाँ वहां सुनता है दुनिया जहान की बातें, कभी मेरे दिल की भी तो सुनाकर, मैं धूप में पला था न बारिश की कुछ खबर थी, तो चला गया मुझको अचानक भिगा कर, मैं तेरी वफा पर एतबार कैसे करूं, तू खत भी पढ़ाता है मुझे गैरों से लिखा कर, इस धुआं धुआं शहर की यही दास्तां है, लोग खुश हो रहे हैं एक दूसरे के दिलों जा जला कर, मैं गिर गया हूं लेकिन तू इंच ना उठा है, क्या मिला तुझे मुझे बेवजह झुका कर, और रोज उतर जाती है साकी प्यालों की मस्ती, आप पीते हैं किसी रोज आंखों से आंखें मिलाकर, और हंसता रहा कर मुस्कुराता रहा कर, जहां में क्या जीना एक मूसा बनाकर, और अगर बुलाते रहे महफिलों में अपनी, मैं खुश करता रहूंगा तुम्हें गजलें सुनाकर, और इस संतोष की होगी बस इतनी सी कहानी, मर तो जाएगा पर लोगों को जीना सिखाकर। वाह, धन्यवाद। बहुत बहुत ही खूबसूरत अंदाज आपका। एक ये एक अलग चौथा रंग हमने अभी आपकी कविता के माध्यम से देखा। कपिल जी मैम, जी, अब ओवर टू यू।
बहुत बढ़िया कविता अंशु जी आपने भी पढ़ी और संतोष जी आपने भी। ये जो कविता है ये एक छोटी सी कविता का एक अंश है जो मैंने काफ़ी पहले लिखा था, पूरी याद नहीं लेकिन कुछ थोड़ी सी बातें याद हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक ही दरो दीवार के दरमियाँ रहने वाले, एक ही दरो दीवार के दरमियाँ रहने वाले अब फेसबुक की दीवारों पर मिला करते हैं। एक ही दरो दीवार के दरमियाँ रहने वाले अब फेसबुक की दीवारों पर मिला करते हैं। जो थे हम नफस हम नवाज हम सफ़र मेरे, वो अपने राज अब औरों से शेयर किया करते हैं। एक ही दरो दीवार के दरमियाँ रहने वाले अब फेसबुक की दीवारों पर मिला करते हैं। चलिए अब अगली कविता की ओर रुख करते हैं। इस भागदौड़ से भरी जिंदगी में, इस भागदौड़ से भरी जिंदगी में लोगों से मिलते मिलते झूठा प्रेम और स्नेह प्रदर्शित करते करते जब कभी ऊब जाता हूँ तो खुद से मिलने की चाह में आईने के सामने खड़ा हो जाता हूँ। जब कभी ऊब जाता हूँ तो खुद की चाह में आईने के सामने खड़ा हो जाता हूँ। देखता हूँ तो सन्न रह जाता हूँ, आईने में एक भद्दा सा स्वार्थ लालच और मक्कारी से लिपटा और ही कोई चेहरा पाता हूँ। कहते हैं आईना झूठ नहीं बोलता, कहते हैं आईना झूठ नहीं बोलता, ये सोचकर उन परतों को हटाकर अपना सच्चा निस्वार्थ और भोला चेहरा देखना चाहता हूँ। अपना सच्चा निस्वार्थ और भोला चेहरा देखना चाहता हूँ जैसा वो बचपन में हुआ करता था। बहुत बहुत अच्छे थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कविता। हाँ, और अब आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो मैं अपनी रचना के साथ इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर चलती हूँ। ये जो एक कुछ पंक्तियां हैं मेरी, ये रिश्तों का ताना बाना जो हमारे घर में नोकझोंक होती रहती है हमारे साथी के साथ, उसको डेडिकेट करते हुए कुछ पंक्तियां हैं जो सुबह से शाम तक हम साझा करते हैं अपने किसी साथी के साथ। कि तुम उम्र की झलक दिखलाती सफेद चांदी को एक रंग में रंग देते हो, तुम उम्र की झलक दिखलाती सफेद चांदी को एक रंग में रंग देते हो, और मेरे बालों पे आई चांदी मुझे चमकती हुई सुहाती है। तुम्हारी और मेरी उम्र का फासला काफी लंबा है। मैं नजरों में दिल रखता हूँ और तुम दिल में भी नजर रखते हो, मैं नजरों में दिल रखता हूँ और तुम दिल में भी नजर रखते हो, सही कहते हो, तुम्हारा और मेरी उम्र का फासला काफी लंबा है। झुक कर मेरा मन, मेरा नाजुक मन वक्त की नजाकत समझकर झुक कर तुम्हारी हर बात स्वीकार करता है, मेरा नाजुक मन वक्त की नजाकत समझ तुम्हारी हर बात स्वीकार करता है, सच है तुम्हारा और मेरी उम्र का फासला काफी लंबा है। मैं खुद को बहुत समझदार समझती हूँ, मैं खुद को बहुत समझदार समझती हूँ, और तुम भी तो अपनी नादानियां कहाँ स्वीकार करते हो, इस मुस्कुराहट आ जाती है ये देखकर, तुम्हारा और मेरी उम्र का फासला काफी लंबा है। तुम्हारी जिद को झुकना पसंद नहीं और मेरी जिद डरती है तुमसे, तुम्हारी जिद को झुकना पसंद नहीं और मेरी जिद डरती है तुमसे, सही है बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा और मेरी उम्र का फासला काफी लंबा है। वाह वाह। और अंत में जो एक कविता कहना चाहूंगी वो ये कि जो कविमन होते हैं वो सृजन करते हैं अपने आसपास की सृष्टि को देख के, वातावरण को देखकर, तो जो उन्मुक्तता आती है उनके विचारों में उस चीज को सोचकर एक कविता है मेरी कि सुरक्षित लिख कर सुरक्षित रह कर कहीं कोई नहीं पहुंच सकता, सुरक्षित लिख कर और सुरक्षित रह कर कोई कभी कहीं नहीं पहुंच सकता, चलना जरूरी है और विचारों का चलना भी तो उन्मुक्तता है, विचारों का चलना भी तो उन्मुक्तता है जो हर रोज मुझे तुम तक पहुंचा देते हैं। हो सकता है कि मेरी कविता
हो सकता है मेरी कविता साहित्य के किसी नियम पर खरी ना उतरे, लेकिन अपने देवता के समक्ष प्रस्तुत होने का कोई नियम होता है भला? अपने देवता के समक्ष प्रस्तुत होने का कोई नियम होता है भला? हर रात वो नाम सिरहाने रखकर सोती हूँ और चली जाती हूँ सपनों की असुरक्षित यात्रा में। हर रात वो नाम सिरहाने रखकर सोती हूँ और चली जाती हूँ सपनों की असुरक्षित यात्रा में। तो बहुत ये अच्छा, मेरी आखिरी दो कविताएं थी, और शब्द संसार दिल से कार्यक्रम को, सिटी लाइव की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स। नमस्कार दोस्तों, टीम सिटी लाइव के शब्द संसार कार्यक्रम से आप रोज शाम को हमसे रूबरू हो रहे हैं, हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, और हम बहुत सारे लोगों को आपके सामने लेके आ रहे हैं, और इस प्रयास में हम जबरदस्त सफलता प्राप्त कर चुके हैं। और आप लोगों की धन्यवाद करती हूँ मैं, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। हम सभी टीम सिटी लाइव से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको इतना सराहा, इतना प्यार दिया। मगर यह कार्यक्रम सिर्फ 5 दिनों के लिए डिजाइन किया गया था, परंतु हाई डिमांड है तो हम इस कार्यक्रम को जारी रखना चाहते हैं। मगर यह कार्यक्रम एक दिन छोड़कर एक दिन आएगा, तो आशा है और विश्वास है कि आप सभी दोस्तों का प्यार हमें यूं ही मिलता रहेगा। और मैं मुखर कविता टीम सिटी लाइफ की तरफ से आपसे वादा करती हूं कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते रहेंगे। धन्यवाद। Sharing your thoughts.